ये मेरा बेटा असवन वली, आज से इसकी तरबियत तुम करोगी अपने खानदानी रस्म रिवाज के मुताबिक। मैं उस औरत की परछाई भी नहीं चाहता किस पे पड़े। बहुत प्यारा है, बिल्कुल आप पर गया है। मैं बड़े मान से आपके हवाले कर रहा हूं इसे, और मुझे यकीन है आप मेरा मान रखेंगे। इंशाल्लाह आपको कोई शिकायत नहीं होगी। मुझे माफ कर दीजिए इसमें अली, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपना वादा न निभा सकी आपसे, मेरी तरबियत राय गंग है हसबेंड अली, खून तरबियत पर गालिब आ गया हसबेंड अली। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। इतने दिनों से शक्ल नहीं दिखाई, नाराज थे ना माँ से, भला अपनी माँ के साथ कोई ऐसा करता है? माँ, मैं कोई पुरानी बात दोहराने के लिए नहीं आया हूँ, आपके वली को आपकी जरूरत है। बेटा तुम्हारे लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। माँ बिया दानियाल की एक्स वाइफ है, डिवोर्स कर दिया उसने इसे, और मैंने इसकी मरहूम वालदा से वादा किया था कि सारी जिंदगी इसका ख्याल रखूंगा। चलो इस बहाने तुम्हें अपनी माँ का ख्याल तो आया। बेटा मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि मैं तुम्हारी उम्मीद पर पूरी उतरूं। मैं बस इद्दत के दिन ये यहाँ आपके साथ गुजारेगी, उसके बाद इसका क्या फैसला करना है मैं बता दूंगा आपको। ठीक है। आज ही मेरा हुक्म है, इस लड़की को अभी और इसी वक्त तलाक दो। मैं अकबर दानियाल हुसैन आज अपने पूरे होशो हवास में सबकी मौजूदगी में और अपने बाबा जान के हुक्म के मुताबिक तुम्हें तलाक देता हूं, तलाक देता हूं, तलाक देता हूं। मर गई तुम्हारी माँ तो उसी वक्त मर गई थी जब तुमने मुझ पर इस लड़की को फौकियत दी थी। तुम्हारा मुझसे या इस घर से कोई सरोकार नहीं है, समझ गए तुम? और तुम तो मेरे लिए कब के मर चुके हैं, मैं तुम्हारा गम भी बना चुकी हूं बली। निकल जाओ इस घर से इसी वक्त, और शक्ल न दिखाना मुझे आईना कभी। तुमने बारहा हमारा मान तोड़ा, हम हमेशा खामोश रहे, लेकिन इस बार तुमने हमारी गैरत को ललकारा है, इसकी कोई रियायत नहीं मिलेगी तुम्हें। मैं अकबर दानियाल हुसैन आज अपने पूरे होश हवास और अपने बाबा जान के हुक्म के मुताबिक तुम्हें तलाक देता हूं, तलाक देता हूं, तलाक देता हूं।